श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपके पहले भाव में, लग्न स्थान में, यानी आपकी राशि में ही रहेंगे। जी हाँ, चंद्रमा की ये पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे। पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। ये समय नौकरी करने के लिए उत्तम है। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग डेली में कमा रहे हैं, जिनका इनकम डेली में दिखाई देता है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। घर परिवार में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशियां मनाने के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, लव लाइफ में इस समय में रोमांटिक माहौल रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन काफी अच्छा है। अगर भविष्य के निर्णय लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल है, सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफी शुभ साबित होगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स आप ला सकते हो। मेहनत जारी रखना जरूरी रहेगा। इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और लकी नंबर रहेगा 9 नंबर। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।